तो फ्रेंड्स ये वीडियो होने वाली बहुत ही मजेदार एकदम एक्सक्लूसिव, जहां पे मेरे पास ये प्रोडक्ट अनबॉक्स करने के लिए वो बहुत ही मजेदार है और कमाल का है प्रीमियम स्मार्टफोन है जो कि आ जाता है हमारा वन प्लस की तरफ से। वन प्लस का 8 नहीं है, ये वन प्लस का है 8 प्रो। ये आप देख सकते हैं 8 प्रो है तो बहुत ही कमाल का प्रोडक्ट है। कलर बहुत ही इंटरेस्टिंग देखने में जाता है, साथ ही स्पेक्स तो मैं क्या ही बोलूं, बहुत ही मजेदार फाड़ू है। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चौखानी टेक सेक्शन को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर से प्रेस करिएगा और साथ ही वीडियो तो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो फटाक से लाइक कर दीजिए, तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में, स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग से। तो इसकी अनबॉक्सिंग बहुत ही सिंपल है, कुछ यंत्र की जरूरत नहीं है, सिंपल सा यहाँ पैकेज दिया गया। ये आप देख सकते हैं, इसको सिंपली जो है यहाँ रैप ऑफ करना और ये जो है सिंपली यहाँ से सील ब्रेक हो जाता है और फटाफट से जो है अनबॉक्स भी हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं अनबॉक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है कंप्लीटली बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये आप देख सकते हैं मजेदार अनबॉक्सिंग पैकेज आपको दिख रहा है। तो फटाफट से इसके लीड को करते हैं ओपन। तो ये आप देख सकते हैं फटाफट से जो एकदम जैसे एप्पल की तरह ओपन होता है बिल्कुल उसी तरह से एकदम स्मूथली जो है डाउन जाता है। अबे नीचे उतरना यार, हाँ उतर गया। तो भैया ये आ जाता है पैकेज, ये आप देख सकते हैं कमाल का पैकेज है। ऊपर की तरफ फोन दिया गया, मतलब डब्बा तो इतना ज्यादा बड़ा दिया गया, जरूरत भी नहीं थी, लेकिन खैर वन प्लस ने दिया है तो भैया इसको तो पहले साइड में रखते हैं। ये आप देख सकते हैं फोन है और मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो फटाफट से जो इसके ये नीचे के पैम्पलेट को उठाते हैं और देखते हैं इसके अंदर कुछ मैनुअल्स वगैरह हमें देखने को मिल जाते हैं। तो शायद इसको रिमूव करते हैं और अंदर की तरफ देखते हैं कुछ एप्पल की तरफ से क्या क्या देखने को मिल जा रहा है। तो सबसे पहले तो गिरा है ये हमारा जो है सिम ट्रे, ये आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का, जो कि नॉर्मल है। रेड कार्ड क्लब, ये रेड केबल क्लब, ये आप देख सकते हैं ये कार्ड देखने को मिल जाता है। और साथ ही जो है कुछ ये वन प्लस के गाइड वगैरह हैं, हाईएस्ट आर वैल्यू वगैरह सब कुछ दिया है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग वगैरह ये सब कुछ डिटेल दिया गया है। साथ ही वन प्लस के बहुत सारे मजेदार स्टिकर देखने को मिल जाते हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही मजेदार स्टिकर हैं। आप इसको फोन कंप्यूटर डेस्कटॉप जहां जाए वहां लगा सकते हैं, अलमारी वगैरह पे लगा दीजिएगा। कुछ क्विक स्टार्ट गाइड वगैरह दिया गया है, सेफ्टी इन्फॉर्मेशन है और साथ ही जो इन्विटेशन लेटर दिया गया। तो भैया इन्विटेशन लेटर तो मैं इसको रिमूव कर लेता हूँ। तो भैया पीटी लॉ की तरफ से है और ये जो है इन्विटेशन लेटर जो भी है इसको बाद में पढ़ते हैं, हटाते हैं इसको। सबसे पहले तो भैया मैं एक्साइटेड हूँ फोन के लिए, लेकिन उससे पहले तो मैं देख लूँ इसके अंदर और क्या देखने को मिल जाता है। तो ये हमें एक केस देखने को मिल जाएगा जहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है नेवर सेटल, ये आप देख सकते हैं क्लियरली लिखा गया है, बहुत ही मजेदार सा है। लेकिन केस जो है नॉर्मल ठीक ठाक वाला ही केस है, मैं नहीं कहूँगा बहुत ही अच्छा केस है। साथ ही जो है चार्जर देखते हैं, चार्जर क्या देखने को मिल जाता है। तो चार्जर तो हमें ये रैप चार्जर देखने को मिल जाता है, जिसकी मैं रेटिंग की बात करूं तो ये हमें देखने को मिल जाता है 30 वॉट का रैप चार्जर हमें देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा चीज़ है कि आपको फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही हमें ये रेड कलर के केबल में, जो इसकी नॉर्मल रेड कलर का केबल आता है, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट हमें देखने को मिल जाता है। तो आप देख सकते हैं क्लियरली टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। तो मतलब पैकेजिंग तो मजेदार दी गई थी, लेकिन जरूरत के हिसाब से ज़्यादा बड़ा बॉक्स दिया गया था, बाकी बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं है। तो इसको हटाते हैं साइड में, सब कुछ हटाते हैं साइड में और भैया सबसे पहले तो आ जाता है हमारा फोन। तो भैया फोन का लुक तो फर्स्ट लुक आप एंजॉय कर लिए, लेकिन उससे पहले फोन का लुक देखने से पहले वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए यार, फटाफट से लाइक करो। क्या चीज का वेट कर रहे हो, तुरंत अनबॉक्स करने वाला, तुरंत अनरैप करूंगा। और ये जो आप देख सकते हैं मैंने कंप्लीटली फोन को रिमूव कर लिया, वाह क्लासी, मतलब एक नंबर भाई। ये आप देख सकते हो मजेदार है, बहुत ही मजेदार सा। मैं इसके स्टीकर रिमूव कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने तो है स्टीकर इसके रिमूव कर दिए और साथ ही आप देख सकते हैं लुक, आप देख सकते हैं इसका बहुत ही मजेदार है, ग्लेशियर ग्रीन कलर है ये, जो कि सच में लुक के मामले में बहुत ही मजेदार सा दिया गया है। मतलब मैं क्या ही बोलूं, लुक रियलिटी में बहुत ही मजेदार है। और साथ में जो है ये मैट फिनिश की कोटिंग हमें देखने को मिल जाती है, मतलब ये पूरा ही थोड़ा सा मैट फिनिश टाइप का कोटिंग दिया गया, आप क्लियरली देख सकते हैं। आप जब इसको पर्सनली फील करेंगे तभी आपको पता चल पाएगा, पूरा ही मैट फिनिश टाइप का कोटिंग देखने को मिल जाता है, जो कि सच में पूरा ही कम्प्लीटली ग्लास दिया गया और लुक बहुत ही मजेदार सा है, मतलब मैं क्या ही बोलूं इसके लिए। और साथ ही बात करते हैं इसके फटाफट जो है इसमें स्पेक्स की, तो भैया डिटेलिंग तो सब कुछ सामने है, सब कुछ देखने को मिल जा रहा है, तो क्या ही चाहिए अब इस फोन में। स्पेक्स में मैं बात करता हूँ धीरे धीरे। तो सबसे पहले तो हमें इसमें देखने को मिल जाएगा 6.78 इंच का एक फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, जो कि क्वाड HD प्लस डिस्प्ले, मतलब आप सोच लो क्वाड HD प्लस डिस्प्ले, जो कि रेजोल्यूशन की मैं बात करूं तो 3168x1440 का रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है, जो कि सच में बहुत ही ज्यादा है। मतलब क्वाड HD रेजोल्यूशन, मतलब आप 4K वीडियो वगैरह भी बहुत ही आराम से, मतलब क्लियर कट देख पाओगे, मजेदार सा आपको फील आने वाला है। तो फटाफट से हम फोन को करते हैं बूट, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं और भी अदर स्पेक्स वगैरह की, जहां पे ऑन एंड ऑफ का बटन हमें देखने को मिल जाएगा इस साइड में, साथ ही जो है
जो वन प्लस का हमें जो अलर्ट स्लाइडर दिया जाता है साइलेंट रिंगटोन वगैरह के लिए, वो हमें देखने को मिल जाएगा। ऊपर की तरफ सेकंडरी माइक्रोफोन वगैरह है, नॉइस कैंसिलेशन दिया गया है, और ये आपको वॉल्यूम अप एंड डाउन का बटन देखने को मिल जाता है। उसके साथ में बात करें तो नीचे की तरफ आ जाता है हमारा सिम ट्रे का डिपार्टमेंट, जो कि है हमारा कंपार्टमेंट आ जाता है, जो कि मैं निकाल के देख लेता हूँ क्या हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि ये है हमारा टू स्लॉट वाला, मतलब आपको डुअल स्लॉट वाला ट्रे देखने को मिलता है जहां पे आप एसडी कार्ड नहीं लगा सकते हैं। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है, स्पीकर के ग्रिल देखने को मिल जाते हैं, माइक्रोफोन वगैरह दिया गया है। इस फोन की सबसे खास बात यह कि इसके अंदर देखने को मिल जाता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, मतलब फोन आपका एकदम मक्खन चलने वाला है। एचडीआर 10 प्लस का सपोर्ट दिया गया है। उसके साथ में हमें देखने को मिल जाता है क्या देखने को मिल जाएगा, ये है यूनिवर्स का सबसे बेस्ट डिस्प्ले, मतलब वन प्लस एट प्रो का जो डिस्प्ले है यूनिवर्स का सबसे बेस्ट डिस्प्ले माना जाता है, मतलब कमाल, मतलब मक्खन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही हम फटाफट से इसको बूट करते हैं। फोन का लुक आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का लग रहा है, आप देख सकते हैं फोन का लुक सच में बहुत ही कमाल का है, मजेदार लुक दिया गया और अट्रैक्टिव लुक देखने को मिल जाता है, जो कि सच में स्पेक्स की मैं बात करूं तो एकदम टॉप नॉच वाले स्पेक्स देखने को मिल जाते हैं। अब बात आती है इसके प्रोसेसर की, जहां पे इसके अंदर पावर देखने को मिल जाता है बहुत ही कमाल का, एंड्रॉइड लेटेस्ट 10 देखने को मिल जाएगा, जो कि एंड्रॉइड 10 दिया गया है। साथ ही प्रोसेसर जो दिया गया है वो सच में फाड़ू है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G प्रोसेसर है, मतलब आपका जो फोन है 8 प्रो कंप्लीटली 5G रेडी है, तो आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं। मजेदार सा फोन है, मक्खन चलने वाला है, मतलब 120 हर्ट्ज का डिस्प्ले, फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले, क्वाड एचडी प्लस डिस्प्ले, मतलब सब कुछ भर भर के स्पेक्स आपको दे दिया गया, मतलब कमाल का मिल जाता है। बात करते हैं इसके कैमरे के सेटअप की। अब आती है बात इसके कैमरे की सेटअप की, जो कि क्वाड कैमरे का सेटअप देखने मिल जाता है। आप क्लोजली लुक देख सकते हैं, कैमरे का जो सेटअप दिया गया वो बहुत ही कमाल का दिया गया। स्पेक्स की मैं बात करूं तो इसके अंदर देखने मिल जाता है 48 मेगापिक्सल का मेन सेंसर देखने को मिल जाएगा, उसके साथ में दिया गया है 48 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड देखने को मिल जाता है, ये बहुत ही कमाल की चीज है। और साथ में हमें 5 मेगापिक्सल का कलर फिल्टर देखने को मिल जाता है, साथ ही 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो कैमरा देखने को मिल जाता है, तो सच में बहुत ही कमाल का परफॉर्मेंस है कैमरे का। तो मैं आपको कुछ शॉट्स वगैरह सामने दिखा दे रहा हूं, आप कैमरे का शॉट्स देख सकते हैं, रेयर कैमरे का कमाल का है, OIS EIS सारे मोड देखने को मिल जाते हैं, तो परफॉर्मेंस बहुत ही कमाल का है। और साथ ही बात करते हैं इसके सेल्फी कैमरे की, तो सेल्फी कैमरा देखने मिल जाता है 16 मेगापिक्सल का, जिसकी क्वालिटी भी मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, मतलब कंप्लीटली पैकेज बहुत ही कमाल का लगा, मजेदार पैकेज देखने को मिल जाता है। साथ ही बात करते हैं इसके अंदर अब इंपैक्ट क्या की गई, मतलब पैक क्या किया गया इसकी ऊर्जा शक्ति को, तो मतलब इसके अंदर देखने को मिल जाता है 4510 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जिसके साथ 30T का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, जो कि ऑलमोस्ट 50-60% जो है आधी घंटे के अंदर चार्ज कर देगा, मतलब बैटरी कमाल की, बैकअप मजेदार, फोन बहुत ही क्लासी प्रीमियम सेट है, मतलब आपको फील एकदम प्रीमियम आने वाला है। आप देख सकते हैं फोन का लुक बिल्कुल प्रीमियम दिया गया है। LPDDR5 की रैम देखने को मिल जाती है, तो मतलब स्पीड जो होने वाली है वो एकदम टॉप नॉच देखने को मिलेगी, मतलब मक्खन वाली स्पीड दी गई है। अदर कोई स्पेसिफिकेशन की बात करते हैं, इसके अंदर वाईफाई 6 का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया, तो मतलब साउंड की क्वालिटी मैंने अभी चेक किया और सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग, आपको माइक में समझ में नहीं आएगा कि क्या इसकी क्वालिटी है, लेकिन लिटरली मैं बताऊं बहुत ही अमेजिंग साउंड क्वालिटी, स्टीरियो स्पीकर की वजह से इफेक्ट बहुत ही मजेदार आ रहा है। टाइप सी चार्जिंग पोर्ट वगैरह है, जैक देखने को नहीं मिलता और कोई कनेक्टर वगैरह भी बॉक्स में हमें देखने को नहीं मिलता, मैंने चेक किया लेकिन कनेक्टर वगैरह कुछ भी नहीं दिया गया है, तो शायद अगर आपको कनेक्टर का जरूरत होगा तो आप सेपरेटली परचेस कर सकते हैं, लेकिन अब कनेक्टर तो फ्लैगशिप फोन से हटा ही दिए जा रहे हैं धीरे धीरे। तो ये थे कुछ इसके पैकेज और स्पेक्स बहुत ही कमाल के, और आप लोग जानते ही हैं कि जो इसका जो ऑक्सीजन OS होता है वो एकदम सबसे हाई क्लास परफॉर्मेंस होता है, मतलब एप्पल के बाद में जो है देखा जाए अगर ऑक्सीजन OS जो है सबसे कमाल का परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है, एकदम मजेदार मक्खन परफॉर्मेंस, और मेरे से ज्यादा तो आप लोग यूज अगर किए होंगे तो आप लोग जानते होंगे कैसा होता है ऑक्सीजन OS, तो सच में बहुत ही कमाल का मजेदार परफॉर्मेंस आ जाता है। बात करते हैं अब इसके वेरिएंट की और प्राइस की, किसके अंदर प्राइस और वेरिएंट क्या देखने को मिल जाता है, तो इसके अंदर जो ये प्राइस है जो ये वेरिएंट है वो है 8GB रैम 128GB स्टोरेज के साथ में, जो कि आ जाता है 44,999 रुपीज का, मतलब 55,000 का है, और ये जो कलर है सिर्फ इसी वेरिएंट में अवेलेबल है, मतलब अभी तक तो बाकी जो इन फ्यूचर वन प्लस क्या प्रोवाइड करता है मालूम नहीं, बट अभी जो है
8+128GB में सिर्फ यही ग्लेशियर ग्रीन कलर अवेलेबल है, और सच में ग्लेशियर ग्रीन जो है थोड़ा सा ब्लूइश फिनिश का है और थोड़ा सा ग्रीनिश, मतलब सब कुछ कॉम्बिनेशन दिया गया कमाल का, मतलब मजेदार। और सबसे एक इंपॉर्टेंट बात इस फोन की ये कि इसके अंदर देखने को मिल जाती है IP68 की रेटिंग, मतलब पानी के छींटे वगैरह सब कुछ पड़ जाए मतलब फोन को कुछ भी नहीं होने वाला, कमाल का परफॉर्मेंस आपको देगा, पानी वगैरह से आपको डर नहीं होने वाला। अब ये नहीं कि समुंदर में लेके कूद जाओ और फोन जो है खत्म हो जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं देता, लेकिन IP68 की रेटिंग है मतलब वाटर से जो है आप आराम से बच सकते हैं, अगर नॉर्मल सा मतलब डीप हुआ है वाटर में तो आराम से आप बच सकते हैं, कमाल का परफॉर्मेंस आपको दे देगा उसके बाद भी। उम्मीद करता हूं ये अनबॉक्सिंग वीडियो OnePlus 8 Pro की आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पे आप नए तो चौकाली टेक स्टेशन को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन से प्रेस करिएगा, और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिए, और आपके मन में कोई भी डाउट हो कोई भी क्वेश्चन हो तो बेहिचक नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलता हूं अगली वीडियो में, आज के लिए धन्यवाद।